चीन और अमेरिका में तबाही मचाने के बाद कोरोना वायरस अब धीरे धीरे भारत में भी आता दिख रहा है, लेकिन हमारी सरकार ने एक ऐसी वैक्सीन की घोषणा की जो इसे लड़ने में काफी असरदार साबित हो सकती है। हेलो एंड वेलकम टू वोकल न्यूज। आइए जानते हैं कि कौन सा वो वैक्सीन है, क्या ये वैक्सीन हमें कोरोना से बचा पाएगी। पिछले दिनों चीन में कोरोना के नए वेरिएंट ने ओमिक्रॉन BF7 ने लाखों लोगों को संक्रमित किया है। ये वेरिएंट काफी खतरनाक माना जा रहा है। कई लोगों के मन में ये सवाल है, क्या फिर से कोरोना की लहर आएगी, क्या फिर से लॉकडाउन लगेगा। आपको बता दें कि फिलहाल ऐसा कुछ होता नहीं दिख रहा है। भारत सरकार ने भी इससे निपटने के लिए अपनी कमर कस ली है। भारत सरकार ने नेजल वैक्सीन तैयार किया है जिससे संक्रमण को कम किया जा सकेगा। वही हम जानते हैं कि आखिर नेजल वैक्सीन क्या है। ये वैक्सीन बूस्टर डोज की तरह काम करेगा। इसे भारत बायोटेक और अमेरिका की वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी ने मिलकर तैयार किया है। इस वैक्सीन का 3 फेज में ट्रायल किया गया। नेजल वैक्सीन के पहले फेज के ट्रायल में 175 और दूसरे फेज के ट्रायल में 200 लोगों को शामिल किया गया। तीसरे फेज ट्रायल को 2 भागों में बांटा गया। इसके पहले भाग में 3100 और दूसरे भाग में 875 लोगों पर ट्रायल किया गया। तीनों फेज का ट्रायल काफी इफेक्टिव साबित हुआ। नेजल वैक्सीन को जल्द ही कोविन पोर्टल पर भी शामिल किया जाएगा। तो आइए हम जानते हैं कि इसे कैसे लगाया जाएगा। हम सभी को तो पता है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन को बाजुओं में लगाया जाता था, लेकिन नेजल वैक्सीन को हाथ पर नहीं बल्कि नाक के जरिए दिया जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसे नाक से क्यों दिया जाएगा। कई रिसर्च में यह साबित हो चुका है, अधिकतर वायरस हमारे नाक के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। नेजल वैक्सीन ब्लड में इम्यून और नाक में प्रोटीन बनाने में मदद करती है, ताकि हम इस कोरोना से अपनी रक्षा कर सकें। बताया जा रहा है कि नेजल वैक्सीन इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में मदद करती है, क्योंकि मजबूत इम्यून सिस्टम के सहारे ही हम कोरोना से लड़ने में सक्षम हो सकते हैं। आपको बता दें कि नेजल वैक्सीन का असर हमारे शरीर में लगभग 15 दिनों बाद शुरू हो जाता है। तो आइए अब हम जानते हैं कि इस वैक्सीन को कौन कौन लगवा सकता है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के आदेशानुसार इसे 18 साल से अधिक उम्र वालों को ही लगाया जाएगा। इस वैक्सीन को वही लोग ले सकते हैं जिन्होंने पहले और दूसरे डोज को ले चुके हैं। फिलहाल नेजल वैक्सीन सरकारी हॉस्पिटल में नहीं लगेगी। ये वैक्सीन शुरुआत में प्राइवेट हॉस्पिटल पर ही दिए जाएंगे। इसके लिए आपको पैसे चुकाने होंगे। हालांकि कितने पैसे चुकाने होंगे ये अभी तक तय नहीं हुआ है। क्या आप नेजल वैक्सीन लगवाएंगे, आप कमेंट में अवश्य बताइए। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें।